वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डिटेल्ड कवरेज आपके सामने आएगा। श्रीकांत, हाय, गुड मॉर्निंग श्रीकांत, क्या ट्रेड है आज का प्रेफर्ड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, वैसे मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में कहीं ना कहीं काफी अच्छी एक्शन है और काफी सारे स्टॉक अपने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब आने के बाद एक अच्छे ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसी के बेसिस पे अगर देखें तो हमें लगता है कि यूनाइटेड फॉस्फोरस पे ध्यान रखना चाहिए, यूपीएल पे। इसका रीजन यही है कि ये स्टॉक कम से कम पिछले 8 या 10 महीने से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, 850-860 के ऊपर नहीं जा रहा था। कई बार उसने अटेम्प्ट किया लेकिन फेल हुआ है और लोअर लेवल्स पे 700 के करीब इसमें काफी अच्छा एक सपोर्ट बना हुआ था। इवेंचुअली अगर आप लास्ट 4-5 डेज से अगर देखेंगे तो ये स्टॉक 850-830 इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है और हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक 860-865 के लेवल्स को क्रॉस करेगा। कल के दिन की जो क्लोजिंग थी यूपीएल की वो भी काफी कॉन्फिडेंट थी। ब्रॉडर लगता है कि अभी ये अगर ब्रेकआउट 865 का अगर कर लेता है कॉन्फिडेंटली तो फिर नेक्स्ट लेवल्स 1000 के होंगे, तो काफी अच्छा एक सेटअप बना हुआ है। एंड वेरी शॉर्ट टर्म में भी अगर मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग करना है तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले 825 में। स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 810 का, इमीडिएट टारगेट 860-865 का रहेगा, 860-862 का, और इवेंचुअली हमें लगता है ये 1000 की तरफ जा सकता है। साथ ही साथ अगर बाकी अगर स्टॉक्स की अगर बात करें तो हमें लगता है कि BPCL भारत पेट्रोल यहाँ पे भी अच्छा फॉर्मेशन है और ये भी स्टॉक एक बार 400 के काफी नजदीक जा सकता है, 390 का क्लोजिंग है वैसे, लेकिन 400-405 और स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा तकरीबन 385। ओके, बीपीसीएल अगर आप देखें।